नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये वाला पूरा पेपर किसका है? यूपी पीसीएस का, जो अभी हुआ था, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उसका जीएस का पेपर नंबर 2 है। ये पूरा एक ही बार में सॉल्व करेंगे। इसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग और ये सब क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें रोहित पांडे जी ने भी हमारी हेल्प की है। जीएस के कुछ क्वेश्चन के आंसर ज़्यादातर के उन्होंने दिए हैं, फिर मैंने क्रॉस चेक किए हैं, लगभग सही है सब कुछ। और प्लस एप्टीट्यूड और रीजनिंग के मैंने खुद सॉल्व किए हैं, तो मैं आपको पूरा पेपर बताता हूँ। ठीक है, उसमें कुछ एनालिसिस वाला पार्ट ये है कि यूपी पीसीएस के जो 2018 28 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए एक बात ये, अगर आप माने मेरी, कम से कम 15 अक्टूबर तक का करंट अफेयर कर लेना, क्योंकि इस वाले पेपर में भी मैंने एक दो करंट अफेयर ऐसे देखे, और आरओ वाले पेपर जो 8 अप्रैल को हुआ था 2018 को, उसमें भी मैंने देखा था कि यूपी पीसीएस वाले लोग हैं जो जो भी पेपर सेट करता है, वो पिछले 15 दिन के पहले के करंट अफेयर भी पूछ लेते हैं। तो सेफ साइड में यही रहेगा कि 28 अक्टूबर को अगर आपका पेपर है, कम से कम 15 अक्टूबर तक का आप करंट अफेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है और इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा नॉट करेक्टली बेस्ड है, तो ये वाला होगा आयरन और एंथ्रेसाइट, क्योंकि एंथ्रेसाइट क्या होता है? कोल होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कौन से प्लैनेट को रिडिफाइन किया गया था 2006 में एज अ ड्वार्फ प्लैनेट? ये तो सब जानते हैं, प्लूटो है ये। ठीक है, प्लूटो प्लैनेट नहीं है, सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है प्लूटो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, तो ये ड्यूट्रॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज बेसिकली नॉट अ प्रोटीन, ये है आपका टूथ वाला पार्ट जो है ये प्रोटीन नहीं है, बाकी सभी में कुछ ना कुछ प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये है इसमें यहाँ पे देखने वाली बात। एक बात और बतानी है आपको इस वाले में, जैसे आप देखेंगे तो साइंस वाले शुरू में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, 10-15 क्वेश्चन करीबन। और दूसरी एक बात और भी है, क्योंकि यूपीपीसीएस 2018 वाला जो पेपर होगा, उसमें जो आपका सिलेक्शन लिया जाएगा वो एसीएफ के लिए भी लिया जाएगा, जो असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट वाली जॉब है। जैसे यूपीएससी में होता है ना, वो लोग एक के साथ प्री लेते हैं, वैसे ही यूपीपीसीएस में भी होगा। तो बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इन्वायरमेंट का सेक्शन बढ़ सकता है। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए अभी जैसे मृत्युंजय जी से मैं सीरीज जो जो हमारे यहाँ चला रहे हैं साइंस की पूरी, इन्वायरमेंट की भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, और वो भी प्रीलिम से पहले ही सब कुछ कर देंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई आपको बिल्कुल डेडिकेटेड एक कोर्स बनाया जाएगा उसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, तो डी है इसका। सिक्स वाले में भी आपको मैच द फॉलोइंग करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। ठीक है, यानी कि 2143, ये सिसप्लेटिन जो है ये एंटी कैंसर ड्रग है, और फोलिक एसिड है एंटी एनिमिक, और विटामिन सी जो है एंटी ऑक्सीडेंट होता है, सोडियम बेंजोएट होता है फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो डी वाला जनरली बहुत कॉमन है, ये बहुत बार पूछा गया है, जो सोडियम बेंजोएट है फूड प्रिजर्वेटिव, तो अगर आप ऐसे भी एलिमिनेट करके निकाल सकते थे इसको। उसके बाद है कि कौन सा प्लांट से नहीं हमको ऑब्टेंड होता है, कौन सा प्लांट से हम नहीं पाते हैं, वो है बोरेक्स। फिर उसके बाद कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, जिंजर और यूगेनॉल, ये नॉट करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, चिल्ली जो है कैप्सिकम भी होती है, गार्लिक एलिसिन बनता है इससे, ब्लैक पेपर से पिपरीन बनता है। फिर कौन सा जो स्टेटमेंट ये सॉरी सब्सटेंस है, ये ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया के लिए यूज करते हैं, लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद नॉट करेक्टली पूछा है इसमें, देखिए नॉट करेक्टली और करेक्टली का बहुत ध्यान रखिएगा, मैं इसीलिए जो टेस्ट सीरीज बनाता हूँ उसमें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। देखिए, हमारी यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, अभी 30% का डिस्काउंट चल रहा है 2-3 दिन के लिए, और अगर आप चाहें तो इसको तुरंत ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पे 3600 की, इसमें टोटल आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी यूपीपीसीएस के 44 टेस्ट जीएस के, प्लस 10 टेस्ट सीसेट के, वो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ, प्लस टोटल करंट अफेयर मिलेगा, प्लस यूपी का करंट अफेयर मिलेगा, प्लस बहुत सारी जो है सब्जेक्ट की समरी वाइज पीडीएफ अभी मैं काफ़ी सारी भेजूंगा एग्जाम के पहले, वो सब मिल जाएगी आपको यहाँ पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप पूरा जो भी अभी तक के टेस्ट हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, और जीमेल वाली आईडी दीजिएगा, वो मैं जोड़ के आगे आपको भेजूंगा। प्लस और भी काफ़ी सारे कोर्स चल रहे हैं, बीपीएससी का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यूपी पीसीएस का 2019 का भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी लिंक दी हुई है, सब यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद है कि नॉट करेक्टली मैच्ड है यहाँ पे फिनार्जेन एनाल्जेसिक, किसका होगा आंसर? जो हेलोजीन को यूज़ करते हैं एज ए वाटर डिसइंफेक्टेंट, और डायबजीन को ट्रैंकुलाइजर, एंटीपायरिन फेब्रीफ्यूज। ठीक है, फिर उसके बाद 11th वाले क्वेश्चन का, मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक ढूंढा इसमें, इसका आंसर होना चाहिए ए, मतलब दोनों ही सही हैं, और जो आर है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि जितना ज़्यादा आप बिस्कुट को मुंह देर में चबाएंगे, उसको धीरे धीरे उसकी मिठास बढ़ेगी,
और हमारी जो स्वाद, मेरे हिसाब से देखिए बायो में शायद मुझे लगता है ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, कोई और अगर एक्सपर्ट हो तो जरूर इस पे अपना कमेंट दीजिएगा, मेरे हिसाब से ए ही होना चाहिए यहाँ पे। 12 वाले का क्वेश्चन है ये, ह्यूमन सलीवा जो होता है उसमें कौन सा नेचुरल पेन किलर होता है? ओप्योरफिन होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच लिखा है यहाँ पे, ओप्योरफिन और ये है ह्यूमन स्पाइन से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है, तो ये है यहाँ पे, ठीक है, दो बार पूछा है ओप्योरफिन को, इस बार मैंने देख लिया ये सब पेपर का पैटर्न, और अगले वाले जो टेस्ट है वो धीरे धीरे जो अभी हम लोग पेड ग्रुप में है वो या फिर फ्री में भी जो वीडियो बनाएंगे इसी में थोड़ा थोड़ा पैटर्न बनाएंगे। वैसे इसमें एक बात और मैंने ऑब्जर्व की कि कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पूछी गई हैं, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट को पढ़ना भी आप चालू करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट में बहुत मतलब कई बार इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं जो आपका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, एग्जामिनर का अलग हो सकता है, वो वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मेरी टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे तो उसमें कई सारे ऐसे इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन पाएंगे। WHO ने किस स्टैंडर्ड सेट किया था यूरेनियम के लिए? 30 माइक्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन इंडिया में कई जगह पे इससे बहुत ज़्यादा पाया गया था, ये न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है डायरेक्टली। एक बात और बता दूं, मैं करंट अफेयर जितनी भी मैंने पढ़ाई थी सब के सब क्वेश्चन करंट अफेयर के हमारे उससे आए थे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। फिर उसके बाद है कि अभी अगस्त 2018 तक मोस्ट साइंटिफिक पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन है? ये समिट है, IBM का कंप्यूटर है ये, लेटेस्ट करंट अफेयर का ये है। फिर है ये ऑक्टोपस जो है उसको देख के इन्होंने कैमोफ्लेगिंग जो स्किन है वो साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2017, अब देखिए ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये अगस्त में हुआ है, लेकिन इन्होंने करंट अफेयर कहाँ पूछा है? 2017 का, मतलब कम से कम एक, देखिए जो 1 जनवरी 2018 से लेके 15 अक्टूबर 2018 तक का तो बहुत अच्छे से करना है, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन तीनों मंथ्स का 2017 वाले का भी कर लेना, UPPCS प्रीलिम्स में जो लोग देने आ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये कहाँ से कर सकते हो? ये वाले के लिए आप 17 घंटे वाला वीडियो देख लो, बस कवर हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद 18 वाले में है इको हियरिंग के लिए कितनी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए? 17.2 मीटर होनी चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं होगा। 3D प्रिंटर का जो यूज़ होता है प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट की करने के लिए होता है मेनली। 20 वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिमुलेशंस स्टिमुलेशंस कैन ब्रिंग बैक फॉरगॉटन मेमोरीज, ये मैग्नेटिक वाला है। 21 में इलेक्ट्रिक सर्किट का पूछा है और मेरे हिसाब से 1 और 2 ही सही होगा यहाँ भी। 22 में अप्रेंट जो वेट है इसमें 1 और 2 वाला पूछा है, देखिए इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल से क्वेश्चन है ये, 1 और 2 होगा इसका, अभी जो रीजनिंग वाले हैं वो पूरा समझाऊंगा। कोबाल्ट 60 से हाई एनर्जी गामा रेज निकलती हैं इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। 24 में ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से 3 और 4 ही होना चाहिए करेक्ट। 25 है जो आपको ये यूनिट पूछी गई है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बी है इसका, प्रेशर की पास्कल, रेजिस्टेंस की ओम, ठीक है, और कंडक्टेंस की सीमेन और विस्कोसिटी की पॉइज, तो ये कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये। उसके बाद है, हाँ सॉरी, ये नीचे आर्टिफिशियल जो सेटेलाइट होते हैं वो इसीलिए जो सोलर सेल होती है उन्हीं की एनर्जी से तो चलते हैं सिलिकॉन से, बहुत बार न्यूज़ में आता रहता है ये। ऑप्टिकल फाइबर के लिए स्टेटमेंट दिए हैं, देखिए जहाँ भी ओनली लग जाए ना आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, कि जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन अगर आप कभी भी देखें और अगर उसमें ओनली लिखा हुआ है UPSC या फिर स्टेट पीसीएस में तो थोड़ा सा उसको सतर्क होकर देखिए, इसीलिए ये वाला गलत है, 2, 3, 4 सही है। लाइफाई के लिए क्या करेक्ट नहीं है? लाई डिटेक्टर थोड़ी ना यार, ये तो एक वैसी टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है, वाईफाई का भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है वो, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ का बता चुका हूँ, ये भी नॉर्मल है ये। और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आइंस्टाइन को किस लिए मिला था नोबेल? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। उसके बाद नहीं, देखिए ये वाला जो है यहाँ पे क्वेश्चन ये गलत है, ये यहाँ पे इसका आपका होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। आइंस्टाइन को जो नोबेल मिला था स्पेशली किसके रिसर्च के लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो ये 29 का बी होगा मेरे हिसाब से, यूनिट पूछी है टाइम की उनमें से कोई भी नहीं होगी, डी है। 20 31 में थोड़ा कन्फ्यूजन सा लग रहा है, और मतलब सी और डी में होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा अगर आप अप्रोप्रिएट देखें तो सी हो सकता है, एग्जामिनर के इंटरप्रिटेशन पे भी क्वेश्चन डिपेंड करेगा। 32 में देखिए क्या बोला है, 5 लोग हैं PQRST, वो एक मंदिर में जाते हैं, खैर ये तो बेकार का स्टेटमेंट है, ये जो है मेन है, पी इज द सन ऑफ क्यू। अब देखिए जो ऐसे रिलेशन वाले सवाल होते हैं, मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी एक, कि आप मेल वालों को कैसे रिप्रेजेंट करिए, ये आप स्क्वायर से, और जो फीमेल है उनको करिए सर्किल से, और पूरा फैमिली ट्री बना लो। इसमें क्या है, पी इज द सन ऑफ क्यू, पी मतलब लड़का है, मेल है, ठीक है, और किसका सन है, किसका सन है, क्यू का, तो यानी कि ऊपर। अब देखिए इसमें ऐसे करना होता है ट्री कि आप जो ये वाली जनरेशन है
अगर ये लड़का है तो ये लड़का या फिर लड़की जो भी है उसका डॉटर सन है तो वो नीचे होगा, और अगर वो उनके फादर हैं तो ऊपर होंगे, तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। वाइफ है तो इधर होगा और ब्रदर है तो भी सेम लाइन में होगा, ऐसे ट्री बनाते हैं इसको। अब कह रहा है पी इज द सन ऑफ क्यू, ठीक है भाई, बट क्यू इज नॉट द फादर ऑफ पी, तो क्यू फादर नहीं है तो फिर मदर हुई ना, तो ये सर्किल में आ गई। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि आर इज द सन ऑफ एस, हु इज द ब्रदर ऑफ पी, तो ब्रदर पी का कौन है, वो है एस, ठीक है, पी यहाँ पे है और ब्रदर है यानी कि एस भी है, वो मेल है। और क्या कह रहा है, आर इज द सन ऑफ एस, तो यानी कि आर भी जो है आपका मेल ही है, ठीक है। आर इज द सन ऑफ एस, हु इज ब्रदर ऑफ पी, ये हो गया फैमिली ट्री। अब टी इज वाइफ ऑफ एस, टी इज द वाइफ ऑफ एस, तो यहाँ पे एस है, इसी की वाइफ है ये एस है, अब ये वाइफ है जो इनको ऐसे तीर लगा दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ सॉरी टी होगा यहाँ पे, एस नहीं टी, टी इज द वाइफ ऑफ इन दिस ग्रुप हाउ मेनी नंबर ऑफ मेल्स इज ग्रेटर देन, मतलब कितने जो स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कितनी ज्यादा है, तो देखिए तीन मेल हैं और दो फीमेल हैं तो एक ज्यादा हो गई, 32 का ए हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 33 वाले में देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं समझ में आ पाया ये कैसे क्या रिलेशन है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि 8 इज रिलेटेड टू 81 है, 27 इज रिलेटेड टू 256 है, मतलब करीबन 10 गुना है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका आंसर डी होना चाहिए। एग्जैक्ट अगर आपको पता लगता है कि मेरा ये शायद गलत है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे हिसाब से इसका डी ही होना चाहिए। कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है ना कि कुछ अगर चीज़ें नहीं भी आती हैं ना तो एक इंटेलिजेंट गेसेस होते हैं, मेरे हिसाब से ये शायद सही होगा, बाकी आप बताइएगा। देखिए इसके बाद देखिए ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यंगर ओल्डर छोटा बड़ा ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, इनके लिए भी बहुत ही सिंपल ट्रिक है कैसे करते हैं इनको, आपको मैं इतना सिंपल मेथड बता रहा हूँ कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या कह रहा है कि पांच लोग हैं ए बी सी डी ई और ए इज यंगर देन बी, ऐसे करके लिखा हुआ है, आप एक लाइन खींचो और उसमें बार ग्राफ बना लो, कैसे बनाओगे, ए इज यंगर देन बी यानी कि बी यहाँ पे इसको बी को खड़ा कर दो, ये बी है और ए इज यंगर है तो ए जो है वो छोटा होगा, ऐसे करके करो, आप देखना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है, ए इज यंगर देन बी, ठीक है, बट ओल्डर देन सी, तो यानी कि ए ओल्डर है सी से तो यहाँ पे आप सी लिख दो, ठीक है, फिर है सी इज ओल्डर देन डी, तो सी भी जो है बड़ा है डी से, यहाँ पर डी लिख दो, फिर ई इज ओल्डर देन सी बट यंगर देन ए, तो जो आपका ई है वो कहाँ पे होगा, ओल्डर देन सी यानी कि इसके ज़्यादा होगा लेकिन यंगर होगा ए से, तो यहाँ पे कहीं होगा इधर, आप इधर कहीं बीच में होगा ई, ये है ई, हो गया पूरा ये। अब ये कह रहा है कि हु इज द यंगेस्ट अमंग देम, तो ये कौन है, डी है, ठीक है, इससे सरल क्वेश्चन तरीका नहीं हो सकता है। अगर पूछ लेते सबसे बड़ा कौन है तो कौन होगा, बी है, मतलब ऐसे अगर आप क्वेश्चन करोगे जो मैंने फैमिली ट्री वाला बताया है और जो ये वाला बताया है, इससे सरल तरीका हो ही नहीं सकता है। रीजनिंग वीजनिंग के लिए मैं खुद कई सारी ट्रिक बता सकता हूँ आपको अगर आप बताएंगे तो, यूपी पीसीएस सी सेट के लिए भी मैं टेस्ट सीरीज बनवा रहा हूँ, उसके भी मैं पूरे पूरे पेपर दूंगा, वेबसाइट पर फ्री में मिलेंगे, पेड वालों को पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना मतलब बहुत सिंपल सा है ये, इसमें क्या है 15 इंटू जो है इसका स्क्वायर है वो है यहाँ पे, तो 16 इंटू 9 हो गया 144, अब बस इसका स्क्वायर करो इससे डिवाइड करो तो आंसर हो गया 20, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये, सी के रिलेटेड है आईक्यू से। अब देखिए सी के बाद जो है सी डी ई एफ जी एच, यानी कि पांच जोड़ दो तो आई आ जाएगा, के से में पांच जोड़ दो क्यू आ जाएगा, तो फिर ई एल में यानी कि ई में पांच जोड़ो के आएगा, एल में पांच जोड़ो आर आएगा, तो इसका आंसर हो गया ए। फिर 37 है, इसमें आपको पूछा है एक्स की वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया मुझसे, और देख लीजिएगा अगर आपसे हो पाया तो, ये मैं छोड़ रहा हूँ, थोड़ी देर ट्राई किया मुझसे नहीं हुआ, मैं बाद में कर दूंगा वैसे अपडेट, टाइम भी नहीं है इतना, कोई आप में से कर पाया तो बताइएगा इसका आंसर। 38 में पूछा है इंट्री की ये है, कोडिंग और स्टडी की ये है, नीटनेस की, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए एन की यहाँ से उठा लो, एन यहाँ पे क्या है टू है, ठीक है, ई क्या है, ई है यहाँ पे वन, तो 2 1 हो गया, 2 1 से चालू होगा, मतलब कि ये तीनों में से कोई होगा, ये वाला हट गया। ए की क्या है, ए का यहाँ से उठा लो, चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे 7 है, 2 1 7, अब देखो इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो थोड़ा एग्जाम में ना स्मार्ट बना करिए, हर चीज़ पूरी नहीं करनी होती, कई बार क्वेश्चन इलिमिनेशन करके भी होता है, मेरे टेस्ट सीरीज में भी मैं देखता हूँ कई लोगों को पूरे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं फिर भी उनके मार्क्स हमेशा पूरे आते हैं, लगभग ज़्यादा आते हैं, वो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट गेसेस भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर चूज द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग, ये ऑड तो लाइब्रेरी होगा, लाइब्रेरी तो एक प्लेस है और बाकी डिक्शनरी मैगजीन न्यूज़पेपर तो पेपर है, तो इसलिए ये ऑड होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या है, ए बाई टी इक्वल टू बाई 21 है, बी बाई डी इक्वल टू 6 है,
ए का नंबर होता है 1 और टी का होता है 20, दोनों को जोड़ दो 21 आ जाएगा, बी का होता है 2, डी का होता है 4, दोनों को जोड़ दो 6 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो 36 आ जाएगा, ठीक है। ए से लेके जो आप जेड तक की सीरीज होती है, तो ए होता है 1 और जेड होता है 26, इस हिसाब से करना है ये। कैंडल को अगर आपने कोड किया है EDRIRL, प्रीतम को कैसे कोड करोगे ये कह रहा है। अब देखो इसमें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सी डी मतलब एक जोड़ोगे तो ई, फिर ए बी सी डी, ए बी सी ठीक है, एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू मतलब आप देख रहे हैं एक एक बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से आप यहां पे कर दो, तो पी के बाद पी क्यू आर हो जाएगा यहां पे, फिर आर के बाद दो जोड़ दो आर एस टी यू हो जाएगा यहां पे, ऐसे करते करते चले जाओ। लेकिन इसमें आपको यहां तक करना पड़ेगा, यहां पे एग्जामिनर ने कोई मौका नहीं छोड़ा है, पूरा करवाया है आपसे, इसका आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट है 42 में जो लेटर हैं डॉल्फिन के, अगर इनको आप अरेंज कर दो एज दे अपियर इन इंग्लिश, तो इसने जिसने भी पेपर किया है बिल्कुल सही किया है ये, और इसमें राइट में अगर आप देखो राइट से पांचवा पूछा है तो आई ही होगा। नेक्स्ट है इसमें मिसिंग टर्म बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 8 3 11 4 15, तो 3 और 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो यानी कि बीच में आना चाहिए 20, लेकिन वो सब में आ रहा है तो एलिमिनेशन काम नहीं करेगा। फिर एफ जी एच एच आई जे, तो यानी कि एक एक जोड़ते हो, जे के एल, एल हो जाएगा मतलब इन दोनों में से होगा कोई, फिर एम एन ओ पी ठीक है, एन ओ यानी कि दो दो जोड़ना है, फिर पी क्यू आर एस दो दो जोड़ना है, फिर आर एस टी यू, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी एम एन ओ पी, फिर पी क्यू आर एस, फिर एस टी यू वी, यू वी हो जाएगा ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सी आंसर इसका। अच्छा मैं ये बता दूं कि ये ओनली यूपी पीसीएस का एक हमारा ग्रुप है, फ्री में चैनल चलता है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो भी पीडीएफ है, यूपी पीसीएस के पेपर भी आपको जितने चाहिए सबकी पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, और प्लस जो यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो भी चाहिए इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाली जो एसीएफ की पीडीएफ है सॉल्व की, मैं ये दे दूंगा इसमें आपको। अब देखो ये 44 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये 4 लोग लूडो खेल रहे हैं, मतलब लूडो में 4 ही लोग खेल सकते हैं ना, अब दो दो का पेयर है। अब इसमें क्या कह रहा है कि सी इज एट द लेफ्ट ऑफ, अब देखिए इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी है कि लूडो पता होना चाहिए, प्लस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई थी, आपने अगर वो देखी हो, डायरेक्शन का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर लोगे तुरंत। अब इसमें कह रहा है कि आपको जो डी है वो फेसिंग टुवर्ड वेस्ट है, तो वेस्ट इधर है तो यानी कि डी इधर होगा, इधर की तरफ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है वो, और क्या है सी इज एट द लेफ्ट ऑफ डी, तो सी जो है वो डी के लेफ्ट में है, तो सी कहाँ पे होगा यानी कि डी अगर आप उधर की तरफ बैठ जाए तो यहां पे आप होंगे सी, ठीक है। सी इज एट द लेफ्ट ऑफ डी, नहीं नहीं सॉरी 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 गलत हो गया ये, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं एक्सटेम्पो कर रहा हूं ना इसमें तो इसलिए गलत हो गया, चलो ये ऐसे बना लेते हैं, एक ये देखिए लूडो बना लिया ठीक है, सी इज एट द लेफ्ट ऑफ डी एंड फेसिंग टुवर्ड वेस्ट, तो यानी कि सी यहां पे है फेसिंग टुवर्ड वेस्ट है, ये वेस्ट इधर है ना, और जो है सी इज एट द लेफ्ट ऑफ डी, तो अगर आप डी यहां बैठा दो ठीक है, डी यहां बैठा दो तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा सी। अब कह रहा है बी इज एट द राइट ऑफ ए, तो बी यहीं पे होना चाहिए ना ठीक है, बी इज एट द राइट ऑफ ए, तो यहां पे बी होगा, जब यहां पे ए होगा तो इसका राइट हो जाएगा बी, फिर इन विच डायरेक्शन बी इज फेसिंग, तो बी किसको फेस कर रहा है नॉर्थ को, आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है 45 में, इसमें वेडनेसडे को 2 बजे 3 मिनट स्लो थी घड़ी और फ्राइडे को 2 बजे 5 मिनट फास्ट हो गई, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं हो पाया, नहीं समझ पाया मैं, और अगर आप में से कोई कर पाया तो बताइए, वरना मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा, इसका पिंड कमेंट में लिख दूंगा ठीक है, थोड़ा और ट्राई करना पड़ेगा। उसके बाद है 20 46, इसमें ये बता रहा है कि आप इसको मतलब लॉजिकल सेंस में लिख दो, तो 2 3 1 5 4 ही सही होगा, 2 मतलब रेन, रेन आई, फिर सन निकला, फिर रेनबो आ गया ठीक है, फिर बच्चा खुश हो गया, उस हिसाब से है ये। 47 में क्या है आपको, अब देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, कई बार एग्जाम में ऐसा लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे यार, ये तो बहुत कठिन होगा, ये इतना मतलब सिंपल क्वेश्चन है। ये दो भाई हैं राम और श्याम, राधा के, उनको पता ही नहीं उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनकी बहन की, तो ये कह रहा है कि जो राम है वो कह रहा है कि जो डेट है वो 22 और 26 मार्च के बीच में है, श्याम कह रहा है कि जो डेट है राधा की वो 24 और 24 के बाद और 27 से पहले है, 24 से बाद है 27 से पहले है और 26 वाला से भी पहले है, तो 25 ही तो ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मतलब दोनों को ट्रू होना है तो 25 हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में ये हिसाब किताब है कि देखिए 6 8 जो होता है 48 माइनस 2 46 ठीक है, 6 5 30 माइनस 2 28, तो ये वाला जो है मैच नहीं कर रहा है क्योंकि 11 इंटू 6 66 माइनस 3 यहाँ पे माइनस 3 है,
इसलिए ये अलग है सबसे। फिर 49 में है विच वन इज ऑड इन द फॉलोइंग सीरीज, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ऑड इसी सेंस में हो सकता है कि जो ये है ये 1 डिजिट का है, बाकी सभी 2 डिजिट के हैं। इसका आंसर होगा डी। अब देखिए 50 में है कलर के नाम चेंज कर दिए हैं, इसमें देखो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं। मैं तो कह रहा हूँ व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, क्लियर स्काई का क्या कलर होता है, ब्लू। अब ये देख लो ब्लू का क्या मतलब है, ब्लू का मतलब है ऑरेंज, तो बस यही हो गया आंसर। कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड भी नहीं लगा ये, ठीक है। तो इसीलिए मैं कई सारी ट्रिक बता रहा हूँ इसमें आपको। ये वाले क्वेश्चन में भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है सबका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है सबका नंबर, ए का नंबर होता है 1, आई का होता है 9, अगर आप ए से लेकर जेड तक लिखोगे तो 1 से 26 तक होगा। बस वही चीजें एक साथ लिख दी गई हैं, ठीक है। ए आई ई एफ 1956, वही यहाँ पे लिखा है, वही यहाँ पे लिख जाएगा, 1728 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन तो गलत है मेरे हिसाब से, मैंने इसको बहुत बार ट्राई किया, ये गलत क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है आपको कि ये एक नंबर है 14n, n का क्या मतलब है, n का मतलब है इंटू, तो 14 × 10 होना चाहिए, और फिर l की जगह क्या आएगा, प्लस आना चाहिए, +42, ठीक है। p की जगह क्या है, +2, और m की जगह क्या है, -8। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यार इसमें तो कोई आ ही नहीं रहा है, ये 176 है मेरे हिसाब से, तो गलत है ये। लेकिन अब मेंस का पेपर है तो इस पर तो कोई डाउट ही नहीं करेगा, ये आयोग का मनमर्जी चलेगी इसमें, पता नहीं उन्होंने क्या आंसर दिया होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन से आयोग खेलता है कई बार। ये वाले में नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं, 28 हैं, मैंने भी गिने हैं। देखिए इसमें गिनना ऐसे है कि ये जो छोटा ट्रायंगल है ना, आप इसको आप उठा लीजिए अलग, अब इसको गिनिए पहले, इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हो गए, फिर एक ये वाला हो गया 5 6, फिर एक 7 और 8, 8 हो गए ये, तो 8 इसमें, तो 8 इसमें हो जाएंगे, 8 8 16 हो गए। उसके बाद आप इसको देखिए 17 18 19 20, तो 20 हो गए यहाँ पे। अब देखिए ये वाला 21 22 23 24, 24 तक आ गए, फिर ये 25 26 27 और 28, 28 तक ये हो गए, हम लोगों ने 28 गिने हैं। अब इससे ज़्यादा तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि होंगे, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए इसका, बाकी आप अगर और गिन पाएँ तो बताइएगा जरूर। ये वाला क्वेश्चन है, क्यूब है, उसको हर तरफ से लाल पेंट कर दिया आपने, लाल लाल क्यूब हो गया, 64 पीस में काट दिया। देखिए क्यूब होता है कैसा, ऐसा होता है कुछ इस तरीके से होता है, कुछ क्यूब इस तरीके का ऐसा होता है, थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन, मेरा मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है लेकिन 3D विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है। अब ऐसा करके क्यूब होगा, ये कह रहे हैं 64 टुकड़ों में काटना है, इसका ये मतलब है आपको बीच में ऐसे कटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि हर फेस में 4 बार, ठीक है, और इधर भी 4 बार ऐसे करके, ठीक है, सॉरी यहाँ ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके अगर आप काटेंगे। अब अगर आप ये क्लोजली ऑब्जर्व करें, एक फेस को हम सीधे से देखें, इस तरीके से दिखेगा कुछ, 1 2 3 और ऐसे करके 2 3 ऐसे करके, ठीक है। अब आप ये समझिए कि जो कॉर्नर वाले फेज होंगे, जितने भी क्यूब होंगे उनमें तो 2 फेजेस में लाल लाल होगा ना जब कटेगा, बचा कौन, जो बीच वाले जो बचे हैं 4, हर फेज पे यही 4 होंगे जिनमें एक एक साइड कलर होगा, ठीक है। और ऐसे कितने फेज होते हैं क्यूब में, 6, तो 4 × 6 24 हो गया, इसका आंसर हो गया डी। इसमें मिसिंग नंबर पूछा है, और देखिए +2 × 2 +2 × 2 +2 × 2, यानी कि 60, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसमें 9 से डिवाइड करते हैं, अगर आप ऐसे क्वेश्चन भी ना कर पाए तो मतलब बेकार है फिर तो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 8 वाले लोगों को थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए 9 × 6 54 हो गया, फिर 0 आ गया, 9 × 3 यानी कि 27 हो गया, 5 बचा है यहाँ पे, अगर यहाँ 6 रख दें आप तो 9 × 6 हो जाएगा 54, और फिर 2 × 2 7 यानी कि 9 × 3, तो इसका क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 57 में मिरर रिलेटेड है रिफ्लेक्शन से, वैसे ही वाटर रिलेटेड है रिफ्लेक्शन से। नेक्स्ट है इसमें आपको ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनको प्रेजेंट आपको मतलब वैसे क्रोनोलॉजिकल या फिर मीनिंगफुल में करना है, तो ये 35142, ये मेरे हिसाब से भी यही वाला ठीक होगा, जिन लोगों ने लगाया था वो ठीक है इनका। अराइवल, इंट्रोडक्शन, और फिर प्रेजेंटेशन, डिस्कशन और रिकमेंडेशन, इसी हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद है फिर देखिए, अब देखिए ये वाला डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बस ये खींच लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसा यहाँ पे आप पॉइंट पे खड़े होके जो कह रहा है वो करते जाओ। कह रहा है कि मेरा हाउस है, मेरा हाउस यहाँ पे है, ठीक है, मैं चला 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर मैं नॉर्थ चल गया ऊपर की तरफ, ठीक है, नॉर्थ मतलब जिधर जा रहा है उधर चलो आप,
देन आई टर्न राइट, मैं फिर राइट में मुड़ गया, राइट में मुड़ गया, 3 किलोमीटर तक चलता रहा, ठीक है भाई जी। उसके बाद है देन आई वेंट 1 किलोमीटर ऑफ टू द साउथ, मतलब मैं फिर इसके बाद यहाँ पे 1 किलोमीटर आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है हाउ फार एम आई फ्रॉम माई हाउस, तो यहाँ पे हो आप। अब देखो अगर आप ये थोड़ा सा स्क्वायर बन, ये रेक्टेंगल बना लो, तो ये वाला हो जाएगा 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 1 है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब ये 1, सॉरी 1 ये बचा, तो ये कितना बचा, 4, तो यानी कि ये 4 है और ये 3 है, हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, 5 हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम लगा के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम अदर 3, 14 दूना 28 है और किसी में ये नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये अदर है। ये एक बहुत, देखिए ये वाले जो बार ग्राफ वाले सवाल होते हैं, स्टेटिस्टिक्स वाले सवाल होते हैं, ये सब पाई चार्ट और ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको बस अगर डायग्राम पढ़ना आता हो, बस एक रिजल्ट हुआ है 1000 लोगों का, उसमें कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ दोज हु नो ऑल द 3 इंग्लिश और द 3 लैंग्वेजेस, मतलब ऐसे लोगों को बताना है जो सब जानते हैं। अब देखिए इसमें दिख रहा है कि नहीं, ऑल द 3 वाले कौन है, 100 लोग हैं, बस पढ़ना आना चाहिए कि समझना। तो 100 डिवाइड बाई क्या करना है, टू एंड दोज हु डू नॉट नो संस्कृत, जो संस्कृत नहीं जानते हैं। अब देखिए संस्कृत कौन कौन जानते हैं, संस्कृत जो नहीं जानते, संस्कृत देखिए ये पूरा गोला है, यहाँ तक इसके बाहर वाले जो नंबर है वो सब संस्कृत नहीं जानते हैं, मतलब। तो 200 प्लस 120 और प्लस 220, 200 प्लस 120 प्लस 220 कितना हो गया, 540 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 2 2 4 और हाँ 540 हो गया, तो 100 बटा 540 इसका आंसर आ जाएगा, 5 बटा 27। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं हो पाया मुझसे फाइनली, दो तीन क्वेश्चन जो नहीं हुए मैं उसको पिंड कमेंट में करके रात तक जरूर उसको आंसर दे दूंगा, ठीक है। इसमें एक्चुअली 15 लोग अपियर हुए हैं और पास वाले लोगों के मार्क्स लिखे हैं, मीडियन निकालना है आपको सबका। अब इसमें 10 लोगों के मार्क्स लिखे हैं जहां तक ये मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप इसको अरेंज करेंगे वैसे करके, तो 4 5 हो जाएगा और 6 6 7 7 8 8 ऐसे करके 9 9, इस हिसाब से 10 तो ये हो गए। लेकिन अब ये है कि ये तो पास वाले लोगों के हैं, फेल वाले तो 4 से कम होंगे, ठीक है। अब 4 से कम कितने होंगे, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो फिर अगर आप 15 में लगाएंगे तो जो मिडिल वाला होगा वो होगा। लेकिन अब उसमें ये भी दिक्कत है कि अगर मान लीजिए जो 5 है उनके 3 3 ही आ गए एक साथ, तो इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। मेरे हिसाब से तो ये वाला जो है आंसर, अगर इसका अगर माइनस मार्किंग थी तो नहीं करता मैं शायद इसको, लेकिन अगर अगर वो ऐसा होता तो एक बार ट्राई कर सकते थे, 7 मेरे हिसाब से होना चाहिए शायद, लेकिन देखना पड़ेगा इसको। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें बस आप समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चन चाहे जितने भी आ जाएं रीजनिंग और एप्टीट्यूड के, यूपीपीसीएस के मैं अभी पेपर जो बनाऊंगा अभी 10 टेस्ट पेड के लिए, मैं उनके पूरे सॉल्यूशन भी दूंगा आपको और आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, मेथड क्या मेथड है। देखिए 5 साल पहले 5 4 एवरेज लड़कों की जो है एज कितनी थी, 9 साल, ठीक है, और एक नया बंदा इंक्लूड कर दिया गया, अब उनकी एवरेज है, अब उनकी एवरेज एज है 15 साल। अब 5 साल पहले थी ये 9 साल चारों लड़कों की, तो अगर 5 साल बाद देखोगे तो चारों लड़कों की कितनी हो जाएगी, 9 5 14 हो जाएगी, इस समय चारों की 14 14 है, और पांचवे की मान लो एक्स, तो ये डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15, यही तो दिया है, यही तो एवरेज होता है, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 19 साल, ठीक है। एवरेज वाले चाहे ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको ये कभी गलत करना ही नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीन वेट दिया है 150 क्वेश्चन, 150 स्टूडेंट का 60, और मीन वेट बॉयज़ का है 70 और गर्ल्स का है 55। आपको बताना है कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं क्लास में, मान लो बॉयज़ हैं 20 तो फिर गर्ल्स कितनी हो गई, 150 माइनस 20, ठीक है, क्योंकि 150 है ना क्वेश्चन टोटल। मीन वेट का क्या फॉर्मूला होता है, मीन वेट है 60, तो 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितने बॉयज़ हैं, बॉयज़ का कितना है 70 इंटू 20 प्लस 150 माइनस 20 इंटू कितना हो जाएगा, कितना है गर्ल्स का 55, और डिवाइडेड बाई कितना करोगे 150। अब इससे बी की वैल्यू निकल जाएगी, जब बी की वैल्यू निकल जाएगी बी आ जाएगा 50, तो गर्ल्स हो जाएंगी 100, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से गलत है, 65 वाला, या फिर आप मुझे बताइएगा कि इसमें क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसमें कह रहा है एक बंदे को 90 किलोमीटर चलाना है, 90 किलोमीटर यात्रा करनी है, और इसको एवरेज स्पीड जो है वो अटेंड करनी है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको ये जो पूरी जर्नी है 3 घंटे में पूरी करनी है, ठीक है, पहली बात तो ये समझिए। अब कह रहा है फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी हिज एवरेज स्पीड इज ओनली 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी जर्नी मतलब अगर आप इसको टाइम का रिफरेंस लेंगे तो 1.5 घंटे में इसने शुरू में केवल 20 किलोमीटर पर आवर चला, तो कितना चल पाया, 30 किलोमीटर ही तो चल पाया होगा, तो बचे 60। अब 60 को 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है
तो 60 डिवाइडेड बाई हो जाएगा डेढ़, तो मेरे हिसाब से तो 40 आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 40 वाला ऑप्शन ही नहीं है। या फिर अगर आप मान लीजिए वैसा रेफरेंस ले लें कि फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, कि पूरा जो है आप इसमें आधा जो 45 किलोमीटर तक इन्होंने 20 किलोमीटर से चला, तो 20 किलोमीटर से चला तो इनको कितना लग जाएगा आपको 45 किलोमीटर जाने में, ये करीबन लग जाएगा आपका, नहीं, सॉरी सॉरी, सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। देखिए क्या करना है इसमें, इसमें क्या करना है, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी चला ये 20 किलोमीटर, तो अगर मान लीजिए 45 किलोमीटर इधर हो गया, 45 किलोमीटर इधर हो गया, ठीक है, तो 45 किलोमीटर तक इसकी स्पीड रही है 20 किलोमीटर, तो यानी कि इसने कितने घंटे यहाँ पे वेस्ट कर दिए, वो टाइम वाले रेफरेंस ही सही है। अब देखिए 20 किलोमीटर से अगर मान लीजिए यहाँ पे इसने चलाया 45 किलोमीटर, तो कितना टाइम हो गया, 45 किलोमीटर जाने में इसको 2 घंटे 15 मिनट लग जाएगा, ठीक है, तो इसके पास इसको जो चलनी है 3 घंटे में कंप्लीट करनी है, तो यानी इसके पास बचे हैं 45 मिनट, 45 मिनट बचे हैं और इसको 45 किलोमीटर और चलना है, तो इसका टाइम कितना आ जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई, 45 मिनट है तो 45 डिवाइड बाई 60, ये हो जाएगा, 60 ऊपर आ जाएगा तो 60 आंसर आ जाएगा। अभी अभी एकदम से हो गया सॉल्व, सॉरी मैंने पहले चीज ये चीज, तो ये वाला सही है क्वेश्चन, ये भी सही है एक क्वेश्चन, लेकिन वो वाला जो है वो जिसमें प्लस माइनस वाला वो तो गलत है मेरे हिसाब से। अभी भी अर्थमेटिक मीन निकालना है आपको 100 ऑब्जर्वेशन का, और ऐसे देखिए ये वाले क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, मैं इनके लिए बहुत बार ट्रिक बता चुका हूँ। अर्थमेटिक का चाहे जैसा सवाल आ जाए, आपको याद क्या रखना है, जो अर्थमेटिक मीन होता है सम डिवाइड बाई नंबर होता है, बस सब उसी से हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन निकालना है 100 ऑब्जर्वेशन का और 40 है वो, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, तो जो सम हो जाएगा सम ऑफ 100 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, तो इससे सम की वैल्यू आ गई कितनी, 4000 आ गई, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि बाद में ये पता लगा कि भैया जी ऐसा है कि 53 की जगह हमने 83 लिख दिया था, मतलब कि हमने 30 ज़्यादा जोड़ दिया था, तो 30 ज़्यादा जोड़ दिया था तो करेक्ट करने के लिए 30 घटा दो, 30 घटा दो कितना आ जाएगा, 3970 आ जाएगा, और इसको कितने ऑब्जर्वेशन थे 100, 100 से डिवाइड कर दो 39.7 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है इसमें एवरेज आपको 40 ऑब्जर्वेशन का 22 दिया है, और एवरेज जो है फर्स्ट 20 का है 44, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 0। देखिए क्या है कि 40 का है अगर ये आप 22, कितना हो जाएगा 880, और जो फर्स्ट 20 का है वो भी कितना हो जाएगा 880, तो जो बाकी बचे हैं वो 0 ही हुआ। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कई बार। नेक्स्ट है इसमें 50 नंबर हैं और हर नंबर को आपने 53 से सब्सट्रैक्ट कर लिया, देन द मीन ऑफ द नंबर सो ऑब्टेंड इज -3.5, मीन ऑफ द गिवन नंबर आपको निकालना है, 50 नंबर हैं, ठीक है, तो आप ये समझिए कि मान लीजिए सम ऑफ 50 है, और अगर मीन का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो सम ऑफ 50 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका मीन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये कह रहा है आपका कि अगर हर नंबर को 50 से आपने सॉरी 53 से घटा दिया तो जो मीन ऑब्टेंड होगा वो -3.5 हो जाएगा, तो -3.5 हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ 50, और सब में 53 माइनस करना है तो -53 टाइम्स हो जाएगा 50, क्योंकि 53 सब में आपने 50 माइनस किया ना, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 50। इससे आप क्या निकाल लेंगे, एस ऑफ 50 निकल गया, जब एस ऑफ 50 आपका निकल गया आप देखो निकाल ही लो जो एस ऑफ 50 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 53 इंटू 50 -3.5 इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा आपका 49.5 इंटू 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ 50। अब आपको मीन ऑफ 50 निकालना है तो इसमें डिवाइड कर दो 50 से, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 49.5। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। मीन ऑफ द 7 ऑब्जर्वेशन इज 8, अ न्यू ऑब्जर्वेशन विद अ वैल्यू ऑफ 16 इज एडेड, देन द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज, इसमें क्या करना है आपको, फिर वही वही हिसाब किताब है। मीन दिया है आपको 7 ऑब्जर्वेशन का 8, तो यानी कि एस ऑफ 7 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 8, तो एस 7 की वैल्यू दी है 56, ठीक है। अब कह रहा है कि एक ऑब्जर्वेशन आप जोड़ दो 16, तो 56 में 16 जोड़ दोगे कितना हो गया 72, तो सम हो गया टोटल कितने 8 का 72। अब मीन निकालना है 8 का, तो डिवाइड बाई 8 कर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 9 इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी, फिफ्थ डिसाइल है, 71 में जो है इसका आंसर हो जाएगा अनइक्वल। कुछ अगर क्वेश्चन में आपको गलत लगे तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है इसमें इट इज नेसेसरी टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओ गिव कर्व के लिए, 73 वाले का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम ओ गिव, ये वाला नहीं समझ में आया, ये मतलब शायद मुझे मिल नहीं पाया, ये आप बताइएगा इसमें, वरना मैं जो 3-4 क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ मैं इसको अपडेट कर दूंगा पिन कमेंट में। फिर 5-ईयर प्लान को जो करने के लिए बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे हिसाब से तो हिस्टोग्राम होना चाहिए, पिक्टोग्राम जो है वो शोन होते हैं पिक्चर के द्वारा,
ईयर वाइज प्रोडक्शन अगर आपको दिया है और राइस वीट और मेज का, तो सबसे अच्छा तरीका है मल्टीपल कॉलम चार्ट बना लो आप। मोड को आप ट्रेन कर सकते हैं हिस्टोग्राम से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिव, ये मीडियन देता है, कोई नहीं ऑप्शन होगा, डी होगा। देखिए ये फ्रीक्वेंसी है आपको, वो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी बिटवीन 30 एंड 40। तो 30 पे कितनी है यहाँ पे, यहाँ पे करीबन है 7.5। चलो इसको देखना ही नहीं, यहाँ पे 30 पे, यहाँ पे 40, इसके बीच में 35 हो, यू है 7, यही इसका आंसर है डायरेक्टली। थोड़ा सा ये आप ना डायग्राम को पढ़ना समझ लीजिए, बहुत सिंपल हो जाएंगे क्वेश्चन। एक पाई चार्ट दिया है ये, ठीक है। इसमें क्या है, सेल ऑफ बी जो है एक्सपेक्टेड टू बी डबल्ड, लेकिन जो टोटल सेल है वो बिल्कुल अनचेंज रहेगी। तो ये कह रहा है व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ शेयर ऑफ बी नेक्स्ट इन द टोटल सेल नेक्स्ट ईयर। तो बी जो यहाँ पे 96 है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 192। 192 डिवाइड बाई आप इन सबको अगर ऐड कर लोगे तो उसका जो सम आप लगाओगे यहाँ पे, वो मैं कर चुका हूँ सॉल्व, इसलिए बता रहा हूँ, इन 200 कर दो, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, 12 आंसर हो जाएगा इसका, 80 का ए हो जाएगा। 82 में देखिए क्या है, नंबर ऑफ साइंस आर्ट और कॉमर्स को आपको पाई चार्ट में करना है, और पूछ रहा है ये जो साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या एंगल आएगा। देखिए सिंपल बात है, ऐसा है भैया जी कि भैया जी और बहनी जी, साइंस में 30 लोग हैं और आर्ट में है 70 और कॉमर्स में है 50। तो 30 70 50 कितना हो गया, 150। 150 लोगों को आपको 360 डिग्री में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि पाई चार्ट 360 डिग्री का होता है। तो आप ये समझ लो कि आपको निकाल लो कि एक मतलब क्या निकालना है आपको, 150 लोगों को 360 डिग्री लगेगा। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, साइंस के लिए निकालना है, साइंस के लिए कितने 30 हैं। तो 30 लोगों के लिए 360 डिवाइड बाई 150 इंटू 30, ये आंसर हो जाएगा। 30 डिवाइड बाई ये 5, 5 72, 72 आंसर हो जाएगा, सिंपल। 82 में बोला है आपसे, एक पाई चार्ट दिया है और अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन लोग रहते हैं 36 साल से कम हैं जो एज के। अब देखिए 36 साल से जो कम है वो यहाँ तक है, इसका परसेंटेज निकालोगे तो 30 प्लस 17.75 प्लस 17.25, ये हो जाएगा 65% जो लोग हैं, 65% जो हैं लोग वो हैं 200 मिलियन। अब आपको निकालना कितना है, 56 से लेके 65, 56 से लेके 65 5.12% है। अब देखो सिंपल बात है, 65% के लिए कितने लोग चाहिए, 200 मिलियन, 1% के लिए कितने लोग चाहिए, 200 बाई 65, और 5 पॉइंट कितना, 1.2 के लिए कितना, इंटू 5.12। सिंपल क्वेश्चन है यार, एवरेज वाले वो जो परसेंटेज वाले होते हैं, ये निकालोगे 15.75 आ जाएगा इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन देख के ही हो सकता है, इसमें पूछा है कि इन विच ईयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वॉज मैक्सिमम। देखिए प्रॉफिट है ये वाला डंडा जो खाली खाली है, मतलब खाली वाला जो है, तो प्रॉफिट आपको पूछा है कहाँ पे मैक्सिमम था, ठीक है। अब यार प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये 27 यहीं पे तो मैक्सिमम है 2013 में, इसमें बताइए ये वाला क्वेश्चन भी क्या किसी ने गलत किया होगा। पाई चार्ट की वैल्यू आपको बतानी है ए से लेके ई तक की, मतलब यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए इज, ठीक है, ए पे बताना है कितना। अब देखो ऐसा है भैया जी कि जो 360 डिग्री है आपका यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, सॉरी ये ऐसे नहीं करेंगे, 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 और इंटू 100, ये हो जाएगा इसका परसेंटेज। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा, यहाँ पे 0 0 चला गया, 4 इंटू यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 25, तो 250 डिवाइड बाई 9, सिंपल आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है इसमें मार्क्स दिए हुए हैं और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग मार्क्स मोर देन 10 बट लेस देन और इक्वल टू 40, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक वालों के जो मार्क्स हैं उनका परसेंट निकालना है। ये कितना, 4 6 10 3 13, 13 डिवाइड बाई, और ये टोटल कितना नंबर है, 20 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 65%। नेक्स्ट है इसमें अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 2011 टू 12। अब ये देखिए क्या है, ऐसा कैसे, इसको यहाँ से कितना हुआ, तो 40 माइनस 18 डिवाइड बाई 18 इंटू 100 करोगे, सिंपल आंसर आ जाएगा 122। सिंपल है ये, और पाई चार्ट को निकालना है आपको। टोटल पॉपुलेशन स्टेट की है 3600 लाख, और कितनी पॉपुलेशन ईस्ट जोन की है, ईस्ट जोन की है जो ये 18%, ठीक है। तो 18% आपको निकालना है आप यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझिए 18%, ये जो टोटल है ये कितना है, 3600 लाख है, ठीक है। और ये अगर आप टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, 18 12 हो जाएगा 30 और 25 हो जाएगा 55, और ये मतलब 100% है, ये 100% है 360 डिग्री, और 100% है 3600 लाख, 18% के लिए क्या हो जाएगा, 3600 डिवाइड बाई 100 इंटू 18, ये आंसर हो जाएगा 648 लाख।
ये यहाँ पे बार ग्राफ दिया है किस ईयर में एक्सपोर्ट जो है वो मैक्सिमम परसेंटेज ग्रोथ है। एक्सपोर्ट देखो है कहाँ पे, एक्सपोर्ट ये है, ये वाला जो ऐसे ऐसे बना है ना, कहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ है, यहाँ से 1 से 3 हो गया डायरेक्टली, यही तो मैक्सिमम ग्रोथ है 2013 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर ये कुछ यहाँ पे आपको आइटम दिए हुए हैं और क्या करना है इसको कि टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाई परसेंटेज बार डायग्राम द पोर्शन ऑफ फॉर रेंट, रेंट निकालना है 1800 डिवाइड बाई 9350 इंटू 100, वही आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे दिया एक पाई चार्ट और आपको निकालना है नंबर ऑफ वैलिड पोल्स। देखिए नंबर ऑफ वैलिड पोल्स जो है वो 720 थे। व्हाट वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ वैलिड पोल्स पोल्ड सॉरी वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ ए कैंडिडेट, मिनिमम कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री जो है आपका, 60 डिग्री, ये 60 और ये कितना हो गया, 60 डिग्री निकालना है आपको। देखिए 360 डिग्री के लिए कितना है 720, 60 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा 720 डिवाइड बाई 360 इंटू 60 यानी कि 120। सिंपल क्वेश्चन है ये, परसेंटेज वाले बहुत क्वेश्चन पूछे हैं दबा के। ये फिर पॉलिटी वाले क्वेश्चन है, बहुत सरल से हैं। कौन सा नॉट करेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर फिक्स नहीं करते हैं कभी भी, प्रेसिडेंट करते हैं। तो इसका होगा बी। 92 है इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के पार्ट क्यों है, क्योंकि वो बिल्स को असेंट देते हैं अपनी। सी हो जाएगा। 93 है फेडरल सिस्टम है जो इंडिया का कनाडा की तरह है, रिपब्लिकन कंट्री इसलिए क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो 94 का सी होगा। देखिए रिपब्लिक का मतलब होता है कि अगर उस कंट्री का हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड हो जाए तब उसको रिपब्लिक बोलते हैं। तो हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है कौन है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे रोहित पांडे जी ने शायद गलती की है, यहाँ पे बी सी होगा आंसर। उसके बाद है यहाँ पे 95 में आपको बताना है यहाँ पे कि कौन जो है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए फाइनल डिसीजन लेगा, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेते हैं। आपका अगर जो है उसमें क्या बोलते हैं उसको एंटी डिफेक्शन वाले में होगा तो स्पीकर लेगा, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं बता चुका हूँ, पूरी सिंपल क्वेश्चन है। आर्टिकल आपको फाइंड करने हैं, फाइनेंस का होता है 280, बी का हो जाएगा 2। अब एक बात देखिए, अगर आप इलिमिनेशन तो यहाँ पे आप इतने से काम हो जाएगा आपका, फाइनेंस कमीशन तो सबको पता ही होगा यार, उसके बाद ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए थोड़ा स्मार्ट बना करिए, कई बार इंटेलिजेंट केस काम करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ और मेरे मैंने जितनी पॉलिटी पढ़ाई उसी में से सब क्वेश्चन आए। देखिए जो पॉलिटी के चैप्टर बचे हैं सिर्फ उसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के एक दो पार्ट बचे हैं, बाकी मैं लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी पूरी पढ़ा चुका हूँ। लक्ष्मीकांत की, स्पीकर अपना ऑफिस का वैकेट करता है जस्ट बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर डिसोल्यूशन, ये मैंने बताई थी बात अलग से। लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसकी डिमांड पे, ये पूरा बता चुका हूँ। स्टेट असेंबली वाला चैप्टर आप लक्ष्मीकांत भाई पॉलिटी पढ़ेंगे अगर, पूरा मैंने जो स्टेट असेंबली वाला चैप्टर है 2 घंटे का है, पूरा एक एक चीज डिटेल में बताई है। लेजिस्लेटिव असेंबली की डिमांड पे ही होता है, 169 वाला आर्टिकल है, और फिर उसके बाद है इसी के तहत एबॉलिश क्रिएट किया जा सकता है, फिर पार्लियामेंट में जाता है, ठीक है, ये सब बता चुका हूँ। ज्वाइंट सिटिंग में जो होती है सिंपल मेजोरिटी ही होती है, ए हो जाएगा। नंबर ऑफ जजेस को कौन रिड्यूस कर सकता है, पार्लियामेंट ही कर सकते हैं यहाँ पे वो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद, अब देखिए ये वाला जो चैप्टर है मैंने कितनी बार बताया है, अभी रिट्स वाला जो मैंने एक वीडियो दिया था, रिट्स वाले में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, ठीक है। इसका आंसर है बी, बिल्कुल एक एक चीज, पॉलिटी का तो कोई क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा इंटरप्रिटेशन काम करेगा, अगर आप देखें तो नंबर ऑफ आर्टिकल तो 395 ही हैं और मेरे हिसाब से यहाँ पे ए भी हो सकता है आंसर, लेकिन अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ आर्टिकल देखेंगे तो वो करीबन 448 है। तो यहाँ पे वो नंबर वाला खेल भी है एक्चुअली, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह देखने की कोशिश की तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आर्टिकल 448, कई जगह ऐसा है ना कि मान लो अगर 200 कोई आर्टिकल है उसी में ए बी सी डी ऐसे करके लिख देते हैं ये, तो इसलिए आंसर इसका शायद ए भी हो सकता है। यहाँ पे आपको शेड्यूल वाला पूरा ट्रिक बता चुका हूँ मैं, सिंपल क्वेश्चन है 103 का सी। एक भी क्वेश्चन पॉलिटिक ऐसा नहीं है जो हमारे से ना हो सकता। ये मैंने आपको रटाया था जब लोकल गवर्नमेंट पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि पंचायत के कितने सब्जेक्ट हैं 29 हैं, म्यूनिसिपैलिटी के कितने 18 हैं, ये रट लो, और ये हैं 11th शेड्यूल 12th शेड्यूल सब बता चुका हूँ। ये प्रेसिडेंट वाले में मैंने ये सब चीज़ें अलग से बताई थी एक एक चीज़। फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने थे, अगर आपको ये भी पता होता तो कम से कम आप इलिमिनेट करके कर सकते थे, और शंकर दयाल शर्मा बने थे, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। फाइनल पावर लॉ मेकिंग की पार्लियामेंट के पास ही है, सुप्रीम कोर्ट जो है रिकॉर्ड है ये 129 में लिखा हुआ है। गवर्नमेंट सॉरी गवर्नर जो है किसी बिल को डिटेन ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ है, कोई प्रोविजन नहीं है, गलत लिखा हुआ है, डी है इसका आंसर।
अमेंडमेंट प्रोसेस जो है वो आपकी ली गई है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लियरली इंस्ट्राइन अ प्रोविजन फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, लेकिन ये 19 आर्टिकल का जो भाग वन है उसके क्लॉज ए में है, इन मतलब वैसे ही है ये, इम्प्लाइड है ये, और ये मैंने फंडामेंटल राइट में पढ़ाया हुआ है पूरा। नेक्स्ट है इसमें 51 आर्टिकल जो है डीपीएसपी के अंडर आता है, इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, सब चीज़ें बता चुका हूँ। कौन सा आर्टिकल सिटीजनशिप से 5 से 11, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे। हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज 343 में लिखा हुआ है, एक एक चीज़ बताई हुई है। पंचायती राज की पूरी समरी दे चुका हूँ मैं, एक एक चीज़, लक्ष्मीकांत वाली, म्यूनिसिपलिटी वाली, वो सब कुछ अगर आप चाहें तो देख सकते। देखिए ये यहाँ पे जाएंगे अगर आप चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, यहाँ पे एक साथ आपको सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और यहाँ से आप देख सकते हैं लक्ष्मीकांत वाली जो है वो देख लीजिएगा, सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है मैंने, ठीक है। पूरी यहाँ पे रीजनिंग की ट्रिक्स भी बताई कई सारी, और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। यूपी पीसीएस के पूरे पेपर एक साथ मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। पॉलिटी की पूरी यहाँ पे सीरीज मिल जाएगी, ज्योग्राफी की ट्रिक मिल जाएगी, सब कुछ यहाँ पे मिल सकती है प्लेलिस्ट में। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है।